जब उस दिन प्रिया पहली बार मेरे घर आई, वो पहला दिन था जब मैंने नोटिस किया कि उसके साथ पक्का कुछ गड़बड़ है। वो थर्सडे का दिन था, बाहर तेज बारिश हो रही थी। रात करीब 10:30 बजे अचानक किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। मैंने उठ के दरवाजा खोला तो देखा प्रिया बाहर खड़ी थी। प्रिया मेरे पिछले ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की, वो दूसरी ब्रांच में थी इसलिए मैं उसे जानता तो था लेकिन हमारी खास दोस्ती नहीं थी। वो मेरे घर के पास ही एक फ्लैट में रहा करती थी। उसको मेरे घर का पता भी था लेकिन वो पहले कभी मेरे घर नहीं आई थी। हमारी दोस्ती इतनी क्लोज नहीं थी। क्या मैं आज रात तुम्हारे घर रुक सकती हूँ? उसने एक नर्वस आवाज में मुझसे पूछा। मुझे अच्छे से याद है उसकी आंखें और नाक लाल हो रखी थीं, जैसे वो बहुत रोई हो। बाल बिखरे थे। उसको देखते ही मैं समझ गया कि इसको मदद की जरूरत है। मैंने उसे अंदर बुलाया तो वो अंदर ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठ गई। मैंने कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूँ। मैं कॉफी बनाने किचन में गया तो वो भी वहीं मेरे पीछे पीछे आ गई और वहीं मेरे आसपास घूमती रही। बहुत परेशान लग रही थी बेचारी। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। मैं चाहता था कि आराम से तसल्ली से बैठ के पूछूंगा कि इसको क्या हुआ है। फिर कॉफी बनाने के बाद हम बाहर सोफे पे जाके बैठ गए। वो सोफे पे पैर ऊपर करके सिमट के बैठी कॉफी पीने लगी। क्या हुआ प्रिया, सब ठीक तो है? मैंने पूछा। उसकी आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। वो बहुत डरी हुई और परेशान लग रही थी। मैं बस आज रात अकेली रहना चाहती हूँ, उसने कांपते हुए होठों से कहा। हाँ ठीक है, लेकिन कोई तुम्हें परेशान कर रहा है क्या? मैंने उससे पूछ लिया। जैसे मैंने बताया, मैं उसको इतने अच्छे से नहीं जानता था इसलिए मैं ये बात तो समझ गया था कि इसके साथ पक्का कुछ ना कुछ बात तो जरूर हुई है जो ये ऐसे अचानक मेरे घर आई, वो भी रात में रुकने के लिए। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो कुछ बोल भी नहीं रही थी, बस चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। जाहिर था वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। मैंने भी उससे फिर कुछ नहीं पूछा। मेरे घर में एक ही बेडरूम था। मैंने उससे कहा कि वो बेडरूम में सो जाए, मैं यहाँ बाहर सोफे पे सो जाऊंगा। लेकिन वो बोली, नहीं, तुम अपने बेड पे सो जाओ, मैं नीचे फर्श पे ही सो जाऊंगी। मैंने ज्यादा बहस नहीं की और उसको कुछ तकिए और चद्दर और एक ब्लैंकेट दे दिया। मैं अपने बेड पे जाके लेट गया और वो बगल में ही नीचे फर्श पे लेट गई। कमरे की लाइट बंद थी लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि मुझे हमेशा से अकेले ही सोने की आदत है और यहाँ तो मेरे कमरे में एक लड़की सो रही थी। वो कंबल में मुंह ढक के लेटी थी। मैं जैसे तैसे आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा लेकिन बीच बीच में उसके कंबल से सुबकने की आवाज आ रही थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। पता नहीं बेचारी के साथ क्या हुआ है। जो कुछ भी था जरूर बहुत बुरा था। इसके बाद कब मेरी आंख लगी मुझे पता नहीं चला लेकिन फिर 2:30 बजे के करीब अचानक मेरी आंख खुली। लेकिन तभी मुझे उसकी हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। वो कुछ बोल रही थी लेकिन ठीक से समझ नहीं आ रहा था। मैं 1 मिनट तक उसकी आवाज को पूरा फोकस करके सुनने लगा तो मुझे समझ आया वो क्या बोल रही थी। नहीं, तुम मुझे छू नहीं सकती, मैं तुम्हें देख नहीं सकती, तुम ये नहीं कर सकती। वो यही सब बार बार बोले जा रही थी। शायद कोई था उसकी जिंदगी में जो उसे अब्यूज कर रहा था, उसको गलत तरह से परेशान कर रहा था। शायद उसका बॉयफ्रेंड,
शायद उसी से बचने के लिए इस बेचारी को आज रात मेरे यहां आके छिपना पड़ा। मुझे तेज गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं फिजूल का ही गुस्सा कर रहा हूं। मुझे तो पता भी नहीं था कि उसके साथ असल में हुआ क्या है। मैं ऐसे ही चुपचाप बेड पे लेटा रहा। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद वो भी चुप हो गई, लेकिन बस 5 मिनट के लिए। और तभी उसकी फिर से आवाज आने लगी, पहले से ज्यादा तेज और क्लियर। मुझे छूना बंद करो, स्टॉप इट, मुझसे दूर हो जाओ। बस अब मैं और इग्नोर नहीं कर सकता था। मैं जल्दी से उठा और टेबल लैंप ऑन करके प्रिया की तरफ मुड़ा। और सच बताऊं तो प्रिया को देख के तो एक बार के लिए मेरी जान ही निकल गई। मैंने देखा कि एक बहुत पतला सफेद सा कोई हाथ प्रिया के ऊपर था। मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि मैंने फिर से उसकी तरफ देखा। अब वहां कोई हाथ नहीं था। क्या यार, जरूर मेरी नजरों को धोखा हो गया था। वो अभी भी मुंह ढक के लेटी थी। प्रिया, तुम ठीक तो हो ना? मैंने उसको आवाज लगा के पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन वो मुझे कंबल के अंदर हिलती हुई दिख रही थी, जिसका मतलब था कि वो सोई नहीं हुई है। प्रिया, सब ठीक है ना? कुछ जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैंने फिर से उससे कहा। तो उसने कंबल के अंदर से सिर हाँ में हिलाया। ठीक है, मैं अब सोने जा रहा हूं, लाइट जलती छोड़ दूं क्या? उसने फिर से हाँ में अपना सिर हिलाया। ठीक है, गुड नाइट, आराम से सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, मैंने लेटते हुए उससे कहा। लेकिन मेरे ये शब्द कितने खोखले थे, ये मैं खुद भी जानता था। मैंने चादर अपने मुंह पे ढकी और सो गया। इसके बाद प्रिया ने फिर कोई आवाज नहीं की। उस रात के बाद प्रिया फिर मेरे घर नहीं आई, लेकिन मैं बीच बीच में उसके घर जाता रहता था, ये देखने के लिए कि वो ठीक तो है और कहीं कोई उसे परेशान तो नहीं कर रहा। वो हमेशा अकेली ही होती थी, लेकिन मैंने नोटिस किया कि वो दिन पर दिन पतली और कमजोर होती जा रही थी। मैंने उसे कई बार डॉक्टर के पास जाने को भी कहा, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जाती थी। वो एक अच्छी लड़की थी, इसलिए मुझे उसकी फिक्र थी, लेकिन मैं अपनी लाइफ में ही इतना बिजी था। मुश्किल से कभी कभार टाइम निकाल के उसे देखने जाता था। लेकिन फिर एक रात, रात में सोते सोते अचानक मुझे अपने घर के बाहर से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आई। साथ में दो आदमियों की आवाज भी आ रही थी। मैं झट से बेड से उठा और साथ में रखे बेसबॉल बैट को लेके बाहर निकल गया। मुझे लगा था शायद कोई गुंडे किसी लड़की को परेशान कर रहे होंगे, लेकिन बाहर गया तो देखा कि ये तो प्रिया थी। वो बाहर खड़ी जोर जोर से चीखे चिल्लाए जा रही थी। साथ में दो पुलिस वाले भी थे, जो किसी तरह उसको शांत करने की कोशिश कर रहे थे। मैडम, यहां कोई नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हो मैडम, बेचारा एक पुलिस वाला उसको किसी तरह समझाने की कोशिश कर रहा था। बेसबॉल बैट हाथ में लिए मैं दरवाजे से बाहर निकला तो वो दोनों मेरी तरफ देखने लगे। मैंने जल्दी से अपना बैट नीचे कर लिया। सब कुछ ठीक तो है ना सर? प्रिया, क्या हुआ तुमको प्रिया? मैंने उन लोगों से पूछा। वो यहां आ गई है, वो मुझे ले जाएगी, प्रिया बुरी तरह रोते बिलखते हुए ये एक ही बात बोले जा रही थी। उसको इस तरह से एक्ट करता देख एक बार के लिए तो मेरे शरीर में भी कंपकपी छूट गई। तभी वो पुलिस वाला बोला, आप इसे जानते हो ना, ये आपकी फ्रेंड है ना? इसने पुलिस को कॉल करके बताया कि कोई औरत इसके घर में घुस आई है और इसको मार रही है, लेकिन हम इसके घर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था।
तो ये हमें आपके घर ले आई। पुलिस वाले ने इतना ही कहा था कि वो फिर से चिल्लाने लगी, वो आ गई, वो यहां भी आ गई, ओ माय गॉड प्लीज मुझे बचाओ, वो तुम लोगों को दिख नहीं रही का, वो यहीं तो खड़ी है, तुम सब अंधे हो गए हो क्या? प्रिया सामने इशारा करते हुए चीखे जा रही थी, लेकिन सामने तो कोई नहीं था। उसकी चीखें दिल दहला देने वाली थी। मैंने कहा, प्रिया क्या हो गया तुमको, संभालो अपने आप को। मेरी बात सुनके प्रिया ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में मायूसी थी, दर्द था, और फिर वो फिर से गला फाड़ फाड़ के रोने लगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं बस ये पूरा नाटक होता हुआ देख रहा था। प्रिया फिर से बोली, वो देखो ना उस तरफ, प्लीज उसको देखो ना। मैंने उस तरफ देखा जहां वो देखने को कह रही थी। मैं फिर से उसे ये कहने ही वाला था कि वहां कोई नहीं है, लेकिन तभी मुझे वो नजर आई। सामने एक पोल के नीचे मुझे एक बूढ़ी औरत की हल्की हल्की परछाई दिखाई दी। कसम से वो देख के एक बार के लिए तो जैसे मेरी दुनिया ही रुक गई। मैं पूरे ध्यान से उस तरफ देखने लगा, अपने आप को ये यकीन दिलाने के लिए कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं जितना ध्यान से उसको देख रहा था, वो मुझे उतनी ही साफ साफ दिखाई देती जा रही थी। वो एक बूढ़ी औरत थी, लेकिन मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा था। वो मुझसे मुश्किल से 15 कदम दूर खड़ी थी और सीधा मेरी तरफ ही देखे जा रही थी। उसने एक पुरानी पिंक से कलर की साड़ी पहनी थी। उसकी आंखें नहीं थीं, बस आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे, जैसे किसी ने ड्रिल से उसके मुंह में छेद कर दिया हो। उनमें खून भी नहीं निकल रहा था और उसका चेहरा बिल्कुल ऐसा था जैसे हड्डी के ऊपर खाल चढ़ा दी गई हो। वो बिल्कुल सीधी खड़ी थी और सीधा मेरी आंखों में मेरी रूह को देख रही थी। शायद उसको देख के मैं कई देर तक जमा खड़ा रहा, क्योंकि तभी प्रिया ने मुझे झटका देके हिलाया, बोली, तुमको भी वो दिखाई दे रही है ना? प्रिया की बात सुनके वो दोनों पुलिस वाले भी मेरी तरफ देखने लगे, लेकिन मुझे तो पता नहीं क्या हो गया था। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरा गला सूख गया था। मैंने जीभ हिलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जीभ बहुत बड़ी और भारी हो गई है। और फिर वो मेरी तरफ देख के बहुत खौफनाक तरीके से मुस्कुराने लगी। वो ऐसे मुस्कुरा रही थी कि उसके चेहरे की सूखी स्किन फटने लगी, और फिर उसने अपने गंदे होठों पे उंगली रखी और मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैं चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन मुझे तो जैसे एक बर्फीली हवा ने जकड़ दिया था। मैं जानता था, ये नहीं पता कैसे, बस जानता था कि अगर मैंने उसके बारे में बात की या उसके वहां होने के बारे में किसी को बताया तो उसका अगला शिकार मैं होऊंगा। इसलिए मैं बस खड़ा रहा। प्रिया बार बार मुझसे पूछे जा रही थी, तुमने देखा ना उसको, तुमको वो दिख रही है ना? उन पुलिस वालों के चेहरे पे भी घबराहट साफ झलक रही थी। वो बूढ़ी औरत अभी भी वहीं खड़ी मेरी तरफ चुप रहने का इशारा कर रही थी। और फिर उसने मुझसे इशारे में पूछा कि मैंने क्या फैसला लिया, मैं उसके बारे में बताऊंगा या नहीं। मैं जानता था मुझे क्या करना है, लेकिन ये मेरे लिए आसान नहीं था। प्रिया की आंखों में आस थी। आई एम सॉरी प्रिया, लेकिन यहां तो कोई नहीं है। मैंने देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे यहां कोई नहीं दिखा। मेरी बात सुनते ही जैसे प्रिया की उम्मीद एकदम से टूट गई। उसके चेहरे पर डर आ गया, बहुत ज्यादा डर। उसका चेहरा देख के मेरा दिल टूट गया, मेरे आंसू निकलने लगे, लेकिन मैंने रोक लिए। नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने उसको देखा है, बताओ इनको, बताओ कि तुमने भी उसको देखा है।
वो फिर से चिल्लाने लगी। वो पुलिस वाले अब थोड़ा शांत नजर आ रहे थे। शायद मेरा चेहरा देख के एक बार के लिए उनको भी लगा कि मैंने भी उसको देख लिया है, लेकिन अब वो इस सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल कर सकते थे। आई एम सॉरी प्रिया, मैंने उससे कहा और उससे मुंह फेर लिया। इसके बाद मैं अपना बेसबॉल बैट लेके सीधा अपने घर के अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ ही देर बाद मुझे बाहर एम्बुलेंस के आने की आवाज़ सुनाई दी। वो लोग उसको एम्बुलेंस में ले जा रहे थे, लेकिन जाते हुए वो गुस्से में मुझ पर चिल्लाए जा रही थी, झूठे मक्कार, डरपोक, धोखेबाज, ना जाने क्या क्या मुझे बोले जा रही थी। और फिर उसके 2 मिनट बाद ही सब कुछ शांत हो गया। मैं अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था, लेकिन मैं क्या करता, मैं अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। पता चला कि प्रिया को एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, लेकिन कुछ ही महीने बाद उसको वहां से छुट्टी दे दी गई। इसके कुछ दिन बाद एक दिन वो मुझे रोड पे चलती दिखाई दी। उसने मुझे देख तो लिया था, लेकिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की। वो बिल्कुल पीली, सूख के कांटा हो चुकी थी। देखने से ही पता चल रहा था कि वो बहुत बीमार है। पता नहीं हॉस्पिटल वालों ने क्यों उसको छुट्टी दे दी थी। शायद उसने डॉक्टर से कहा होगा कि उसको अब वो औरत नहीं दिखाई देती। लेकिन जब मैंने प्रिया को देखा तो वो बूढ़ी औरत उसी के साथ थी, ठीक उसके पीछे पीछे चलती हुई। वो प्रिया के इतने पास थी कि उसका सिर जैसे प्रिया के कंधे पे झूलता हुआ लग रहा था। मुझे देख के उसने अपना सिर 180 डिग्री मेरी तरफ घुमाया और हंसने लगी। प्रिया अब भी मुझे कभी कभी दिखाई देती है, लेकिन अब वो ज़्यादातर घर में ही रहती है, बाहर बिल्कुल ना के बराबर निकलती है। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैं प्रिया को भूलने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन ये शर्मिंदगी हर वक्त मुझे कचोटती रहती है। लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मैं और करता भी क्या। मैं नहीं चाहता था कि मैं उस बुढ़िया का अगला शिकार बनूं।